हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नेट ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये नेट का फैब्रिक है और अस्तर में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शाइनिंग में सैंटून फैब्रिक कहते हैं इसे, वो लिया है। आप चाहें तो सिंपल कॉटन अस्तर भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो नेट के फैब्रिक में इस तरीके का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड करके रखा है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है, अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है। और जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें आपको एक इंच मार्जिन का प्लस करके ले लेना है। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है और उसके बाद हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। टोटल लेंथ 15 इंच ली है, 14 इंच मुझे तैयार रखनी है और ये 36 साइज़ का बैक पार्ट है। अब हम ऊपर वाली लाइन से यहाँ पर शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो 5.5 इंच रख रही हूँ मैं शोल्डर डीप नेक के अकॉर्डिंग और 4.25 इंच लिए हैं मैंने आर्म होल्स। इस तरीके से शोल्डर 5.5 इंच है, आर्म होल्स 4.25 इंच है और यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे हम 9 इंच। 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। इस तरीके से हमें चेस्ट की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है, ये देखिए। और हम डीप नेक में 1/2 इंच बाहर की तरफ रखते हैं, इसलिए इस तरीके से मैंने 1/2 इंच बाहर की तरफ लिया है और यहाँ पर एक तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपको आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। अब हम नीचे से कमर का मेज़रमेंट लेंगे। तो कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे जो हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और ये वाली लाइन को हम नीचे की तरफ मिला देंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने से पहले मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है क्योंकि फैब्रिक थोड़ा सिल्क पर है तो आपका जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पिन लगा कर इसे कट कर सकते हैं। तो आप नेट का ब्लाउज़ बनाने के लिए अगर उससे थोड़ा फैंसी लुक देना चाहते हैं तो शाइनिंग वाला फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और सिंपल लुक देना चाहते हैं तो सिंपल कॉटन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला फैब्रिक लेना हो। तो यहाँ पर देखिए हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसके बाद ये जो मेरे पास नेट का फैब्रिक है उस पर भी मैंने इसे रख कर कट कर लिया है। और अब आप देखिएगा गले का मेज़रमेंट रखना है हमें 2.5 इंच और लेंथ में लिया है मैंने 10 इंच। और इस तरीके से 10 इंच पर हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे, फिर अंदर की तरफ इसमें डिज़ाइन आएगा। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच ले लेना है और यहाँ से लेंथ में 11 या 11.5 इंच पर आप ले सकते हैं। नीचे से विड्थ में 4 इंच रखना है और इस तरीके से अंदर हमारा यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन आएगा और ऊपर की तरफ राउंड नेक आएगा नेट वाले कपड़े पर। अंदर अस्तर में हम इस तरीके से डिज़ाइन देंगे। तो ये मैंने आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखा दिया है, इसे हम और अच्छे से पेपर पेस्टिंग पे बनाएंगे। तो यहाँ पर अंदर अस्तर में हम लगाएंगे पेपर पेस्टिंग। तो देखिए इस तरीके से पिन लगा ले आप और गले के विड्थ नापे 2.5 इंच, 2.5 इंच रखनी है। लेंथ आपको 10 इंच लेनी है। ऊपर और नीचे से 2.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है इस तरीके से और एक बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप लेने के बाद हम यहाँ से इस तरफ वाले नेक से 1.5 इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे और लेंथ में ले रही हूँ मैं 11 इंच। यहाँ से विड्थ में लिया है 4 इंच और यहाँ पर भी एक बॉक्स तैयार कर लेंगे हम इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ये वाला शेप बना लेना है इस तरीके से, ये देखिए हमने ये शेप बना लिया है। और साइड से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब आपको इसे अंदर वाले नेक की तरफ से कट करना है। आप यहाँ पर पिन लगा लें ताकि कटिंग करते समय पेस्टिंग हमारा ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो, नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कटिंग हो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। नेट ब्लाउज़ में इस तरीके के जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ये नेक कट कर लिया है, उसके बाद हम इसे साइड से भी कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर साइड से मैंने कटिंग कर लिया है। तो नेक हमारा पेपर पेस्टिंग पे कट हो गया है, इसे हमें अस्तर पे बनाना है। तो अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर लेंगे और इस तरीके से इसे रख कर पेपर पेस्टिंग के बीच वाले पार्ट को रख कर गले की विड्थ आपको नाप कर यहाँ पर पिन लगा लेनी है। आप चाहें तो इसे प्रेस से चिपका भी सकते हैं और अब आप इसे सिलाई लगा कर अटैच कर लें।
तो मैं यहाँ पर एकदम कॉर्नर की सिलाई लगा कर इसे फिनिशिंग के साथ अटैच कर लूँगी। यहाँ पर इस तरीके से आपको अटैच कर लेना है इसे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। इसके बाद हम इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है हमें, और यहाँ पर हम इसे एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे। तो पहले आप इसे कट लगा लें, उसके बाद आप इसे फोल्ड कर लें। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे सेंटर मार्क कर लेना है हमें। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्रीज बनी हुई है, मैंने इस पर प्रेस भी लगा लिया था, और ये हमारा अस्तर का कपड़ा है तो इस पर भी मैंने प्रेस लगाई थी, तो ये क्रीज यहाँ पर बनी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये रफ़ स्टिच हम लगा लेंगे। अब हमें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई आप जितने अच्छे से लगाएंगे नेक आपका उतना ही अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ आप इस तरीके से सिलाई लगा लें नेक के अकॉर्डिंग, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग से चिपकाते हुए सिलाई लगानी है। एक तरफ मैंने लगा ली है, उसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो बीच में हमें सिर्फ एक पैर का मार्जिन रखते हुए नेक की तरफ से, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको पूरे ही नेक पे छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। ध्यान रहे सिलाई ना कटे आपकी, सिलाई के पास तक ही कट लगाने हैं, और ये जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर आप कट अच्छे से लगाएं ताकि ये पलटने के बाद फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ आ जाएं। देखिए इस तरीके से आप इसे पलट लें, और पलटने के बाद आप इसे हाथ से फिनिशिंग कर लें, और चाहें तो इस पर प्रेस भी लगा लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ बैठ जाएगा नेक हमारा। ये देखिए इस तरीके से आपको बाहर की तरफ अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि बराबर नहीं दिख रहा है तो इसे पलट करके वापस से आपको कट लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर्स अच्छे से निकलने चाहिए। तो देखिए मैंने कितना यहाँ पर फिनिशिंग कर लिया है, और इस पर मैंने पलट कर प्रेस भी लगा दी थी, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ गया है। अब यहाँ पर हम कॉर्नर की या फिर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे ऊपर फिनिशिंग की। तो पूरे ही नेक पर आपको सिलाई लगा कर इसे कम्प्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे इसके ऊपर नेट लगा लेंगे। तो ये नेट है हमारा, इसे भी मैंने अस्तर के कपड़े के बराबर से ही कट कर लिया था। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको पिन लगा लेनी है। इसे अच्छे से आप सेट कर लें ऊपर और नीचे से, और यहाँ पर पिन लगा लें आप। सभी तरफ से ये बराबर आना चाहिए। तो पहले हम इसे शोल्डर की तरफ से अटैच कर लेंगे दोनों तरफ से इस तरीके से, फिर हम साइड से सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि नेट के अंदर कोई भी सली या क्रीज ना रहे, और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखे क्योंकि नेट हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। अंदर की तरफ कोई भी धागा आपको दिखता है तो आप उसे निकाल दें। साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर कोई बाहर की तरफ आ रहा है तो उसे आप कट कर लीजिएगा। अच्छे से चारों तरफ से आपको इसे फिनिशिंग कर लेना है। तो अंदर वाला जो नेक है वो बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर पिन निकालने के बाद देखिए हम अच्छे से इसे बराबर कर लेंगे, और अब हम यहाँ पर प्लेट्स डाल लेते हैं। तो इसे आपको डबल फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर 4.5 इंच लेंथ में आप प्लेट्स डाल लें। इस तरीके से आपको प्लेट्स डाल लेनी है, और नीचे कमर पट्टी ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में कमर पट्टी लिया है, उसे मैं नीचे से डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ इस तरीके से। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम कमर पट्टी भी लगा कर तैयार कर लेंगे।
अब एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाएंगे। तो एक सिलाई हमने यहाँ पर पट्टी के ऊपर लगा दी। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है आपको। आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी लगा सकते हैं एक रफ स्टिच लगाने के बाद। और ये जो गला पट्टी है इस पर भी आपको सुई धागे से तुरपाई कर लेनी होती है। अब इसे आपको अच्छे से यहाँ पर डबल फोल्ड करके रखना है। देखिए इस तरीके से परफेक्ट मैंने इसे बराबर कर लिया है, पिन लगा ली है। और हमारा ये जो पेपर पेस्टिंग निकला था वो हम नेक के ऊपर इस तरीके से रख लेंगे, क्योंकि काफ़ी बार हम चौक से मार्किंग करते हैं तो ये स्लिप हो जाता है नेट हमारा। तो देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अंदर वाला नेक हमने ड्रॉ किया हुआ था उस पर मैंने पिन लगा ली और ये नेक हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कट गया है। इसके बाद हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पर तिरछी पट्टी कट की थी, जो उरे पट्टी होती है तिरछे में हम कट करते हैं, उसे मैंने कट किया है 1.5 इंच चौड़ाई में, 1.5 इंच विड्थ में लिया है पट्टी को। और देखिएगा इसे डबल फोल्ड करके हम नेक के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है नेट के ब्लाउज़ में फिनिशिंग करने का, और बिल्कुल आसानी से ये पट्टी लग जाएगी आपकी। देखिए इसे डबल फोल्ड करते जाएँ और आपको इसे खींचना नहीं है, बिल्कुल आप इसे ढीला छोड़ते हुए ही लगाएं। ना ही आपको नेट को खींचना है ना ही आपको पट्टी को खींचना है, सिर्फ इसे बराबर करते हुए लगाते जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी हमारी लग गई है। और एक सिलाई हम मार्जिन को इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाएंगे, नेट के ऊपर नहीं लगाना है, पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है आपको। अंदर से मार्जिन को और पट्टी को आपको इस तरफ करते जाना है और एक सिलाई पट्टी के ऊपर लगा लेनी है, ये देखिए। और अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। तो अब आप इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर नेक को सिंपल रखा है, आप चाहें तो कोई भी लेस लगा सकते हैं नेक के ऊपर, अंदर और बाहर दोनों ही तरफ आप लगा सकते हैं अगर आप इसे हैवी लुक देना चाहें तो। ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर नेक को कंप्लीट कर लिया है। अंदर और बाहर वाला नेक हमारा फिनिशिंग से बन गया है यहाँ पर। अब देखिए हमें फ्लावर बनाने हैं। तो 2.5 इंच लंबाई में और 2.5 इंच चौड़ाई में मैंने कपड़ा लिया है, उसे आपको इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर लेना है। 4 से 5 आप जितने चाहें यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर इस तरीके से स्टिच कर लें। और इसका फ्लावर बनाकर हम नेट के ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो आप ये फ्लावर नेट के फैब्रिक पर भी बना सकते हैं, और मेरे पास यहाँ पर अंदर वाला फैब्रिक थोड़ा शाइनिंग में था तो मैंने उस फैब्रिक का यहाँ पर बनाया है। इस तरीके से हम इसे टक कर लेंगे। तो आप यहाँ पर 5 से 6 भी इस तरीके से ट्रायंगल को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो वो भी अच्छा लगेगा फ्लावर उसका। मैंने यहाँ पर 4 पीस लिए हैं, इसके अलावा मैंने एक फ्लावर और बना के रखा है जिसमें मैंने 5 पीस लिए थे, तो वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख कर मैंने इसे टक कर दिया है, सुई धागे से ही अटैच कर लिया है। और इस फ्लावर को मैंने डिज़ाइन के बीच में रख दिया है। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट हो गया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।